हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप टेक लर्निंग में। आज की इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में विवाह पंजीकरण ऑनलाइन कैसे किया जाता है यह सीखेंगे। इसके लिए आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर गूगल पर जाकर एड स्टिक टाइप करेंगे। उसके बाद हिमाचल ऑनलाइन सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट edistrict.hp को ओपन करेंगे। उसके बाद आप सिटीज़न लॉगिन से इस पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। सिटीज़न लॉगिन कैसे क्रिएट किया जाता है इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस वीडियो से आप सिटीज़न लॉगिन बनाएंगे और यह वन टाइम बनेगा, जो कि हर तरह की सर्विस के लिए यूज़ होगा। तो विवाह पंजीकरण के लिए हम अपने सिटीज़न लॉगिन से लॉगिन करेंगे। इसमें आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड एंटर करेंगे और कैप्चा को एंटर करेंगे। उसके बाद यह पोर्टल ओपन हो जाएगा, जिसमें लेफ्ट साइड टॉप में दिए गए अप्लाई फॉर न्यू सर्विस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद राइट साइड में सर्विसेज ओपन होगी, इसमें आप मैरिज रजिस्ट्रेशन एवं सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन व सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बताए जाएंगे, जिसके लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी और जिसका साइज़ 1 MB से कम हो वो स्कैन करके रख लेनी है। उसके बाद आप न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऊपर दिए गए टैब्स जैसे कि प्लेस ऑफ मैरिज, डिटेल ऑफ ब्राइड ग्रूम, डिटेल ऑफ ब्राइड, डिटेल ऑफ फादर और गार्डियन ऑफ ब्राइड ग्रूम, डिटेल ऑफ फादर ऑफ ब्राइड, डिटेल ऑफ प्राइस्ड एप्लीकेंट डिटेल और लास्ट में जो डॉक्यूमेंट स्कैन होंगे वो सारे अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले प्लेस ऑफ मैरिज एंटर करेंगे। डेट ऑफ मैरिज, उसके बाद आपका जो एरिया होगा रूरल या अर्बन उसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और पंचायत और विलेज, हाउस नंबर यदि कोई हो तो यहाँ एंटर करेंगे। यदि आपका एरिया MC है तो इसके लिए अलग ऑप्शन ओपन होंगे, क्योंकि हम पंचायत एरिया में विवाह पंजीकरण कर रहे हैं इसलिए हम पंचायत सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से इस पेज को हम यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे। इस तरह से हमारा डाटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा और उसके उपरांत नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डिटेल ऑफ ब्राइड रूम यहाँ एंटर करेंगे। ब्राइड रूम यानी दूल्हे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी। यदि BPL है तो BPL सेलेक्ट करेंगे। आधार नंबर यहाँ ऑप्शनल है। उसके बाद आप दूल्हे की फ़ोटोग्राफ जो स्कैन होगी वो अपलोड करेंगे। उसके बाद ब्राइड ग्रूम या दूल्हे का करंट एड्रेस,
स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और पंचायत डिटेल एंटर करेंगे। करंट एड्रेस के बाद परमानेंट एड्रेस की डिटेल एंटर करेंगे। यदि हमारी परमानेंट एड्रेस करंट एड्रेस की तरह है तो हम इसे यस पर क्लिक करेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। डाटा सेव होने के बाद हम आगे दिए गए नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद डिटेल ऑफ ब्राइड की डिटेल इस पेज पर हम फिल करेंगे। यहाँ दुल्हन का नाम, दुल्हन की डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद फोटोग्राफ्स, करंट एड्रेस, यहाँ हमारा एरिया अर्बन है इसलिए हम अर्बन सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि हमारा करंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस की तरह है इसलिए हम यहाँ यस पर क्लिक करेंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। डाटा सेव होने के बाद हम अगले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डिटेल ऑफ फादर ऑफ ब्राइडग्रूम यानी दूल्हे के गार्डियन या फादर की इन्फॉर्मेशन यहाँ डालेंगे। उसके बाद करंट एड्रेस, हाउस नंबर यदि है और पिन कोड नंबर, फिर परमानेंट डिटेल। करंट एड्रेस की तरह हमारा परमानेंट एड्रेस भी है इसलिए हम यस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। डाटा सेव होने के बाद हम अगले ऑप्शन पर जाएंगे जिसके लिए नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डिटेल ऑफ फादर और गार्डियन ब्राइड यानी दुल्हन के पिता या गार्डियन की इन्फॉर्मेशन। करंट डिटेल, डाटा सेव होने के बाद अगले ऑप्शन के लिए हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम डिटेल ऑफ प्राइस्ट यानी पंडित की डिटेल डालेंगे।
इसी तरह से डाटा सेव होने के बाद अगले ऑप्शन नेक्स्ट पर जाएंगे। इस तरह से फिर एप्लीकेंट की डिटेल हम यहाँ फिल करेंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यदि कोई है, और मोड ऑफ़ डिलीवरी जिस माध्यम से आप अपना विवाह पंजीकरण का प्रमाण पत्र चाहते हैं, यदि ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो हम यहाँ ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे। और जिस भी पते पर आप यह प्राप्त करना चाहते हैं उसके बाद इसे सेव करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब लास्ट वाला ऑप्शन, जितने भी डॉक्यूमेंट इसके लिए रिक्वायर है उनकी स्कैन कॉपी हम यहाँ अपलोड करेंगे। जॉइंट फोटोग्राफ ऑफ ब्राइड ग्रूम और ब्राइड की, रेजिडेंस प्रूफ के लिए हम राशन कार्ड, एफिडेविट के लिए हम मेमोरेंडम, एज प्रूफ के लिए हम मैट्रिकुलेट सर्टिफिकेट, दुल्हन के एज प्रूफ का सर्टिफिकेट, मैरिज कार्ड और मेमोरेंडम ऑफ मैरिज, और अदर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो आप उसे भी अटैच कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद आप दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट करने पर इस तरह से मैसेज अपीयर होगा कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गई है, और जिसका टेम्प्रेरी एप्लीकेशन नंबर इसमें शो होगा जिसे आप अपने पास नोट करके रख लेंगे। उसके बाद पेमेंट ऑप्शन के लिए आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा। हम ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें पेमेंट डिटेल्स, इसकी फ़ीस जो कि 200 रुपये होगी, वो पे करनी होगी। इसके लिए हम अपनी एप्लीकेशन नंबर के सामने दिए गए अमाउंट 200 रुपये और एक्शन के नीचे दिए गए पे बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप बैंक को सेलेक्ट करेंगे। नीचे दिए गए मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इसमें यूज़र नेम एंटर करेंगे। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जो इसे एंटर करेंगे। जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर यह मैसेज आएगा। OTP एंटर करने के बाद नीचे दिए गए बटन कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपकी पेमेंट के द्वारा सबमिट की गई एप्लीकेशन का स्टेटस जानने के लिए आप अपने लॉगिन के होम पेज पर दूसरे ऑप्शन माई सबमिटेड एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। और देखिए, जो एप्लीकेशन हमने सबमिट की थी
उसका एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेंट नेम, डेट ऑफ एप्लीकेशन और इसका करंट स्टेटस यहाँ शो होगा। जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव या रिजेक्ट होगी तो यह आगे दिए गए एक्शन वाले ऑप्शन में शो हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।